नमस्कार, इजी कुकिंग विद सुमन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा एक कुकिंग का चैनल है जहाँ पर मैं बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपीज बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में हमारा सबसे ज़्यादा क्या मन करता है? ऐसा मन करता है कि गरम गरम सूप पीने को मिल जाए, और अगर ये सूप घर का बना हो तो क्या बात है, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं कि घर का बना हुआ सूप ही हेल्दी होता है, बाजार का बना हुआ सूप हेल्दी नहीं होता क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको घर पे बिल्कुल बाजार जैसा गाढ़ा सूप बनाना सिखाती हूँ। तो इसके लिए, क्योंकि मैं ये सूप आपको ओवन में बनाना सिखाऊंगी, तो इसके लिए मैंने ये एक बोरोसिल की ग्लास बोल ली है। अवन के माइक्रो मोड पर सूप बनता है। अब क्या करना है कि हमें 4 से 5 टमाटर लेने हैं और इन्हें मोटा मोटा काट लेना है। ये मैंने इन्हें मोटा मोटा काट लिया है और अब इन्हें मैं इस बोल में डालूंगी। अब हमें एक मीडियम साइज गाजर लेनी है, उसे अच्छे से धोकर छीलकर भी मोटा मोटा काट लेना है, और इसे भी मैंने इसे इसमें डाल दिया है। अब हमें ये अदरक का एक टुकड़ा लेना है, 3-4 लहसुन की कलियां लेनी है, और ये एक मीडियम साइज प्याज लेनी है। प्याज को भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते तो आप इसे ना डालें। तो अब मैं इसे इन्हें इसमें डाल देती हूँ, और अब मैं इसमें डालूंगी एक मीडियम साइज कटा हुआ आलू। क्या होता है, आलू डालने से जो हमारा टमाटर का सूप होता है उसमें थोड़ी थिकनेस आ जाती है, यानी कि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अब मैं इसमें 1 ग्लास पानी डालूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम इस बोल को अवन में रखते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसे अवन में रख दिया है और इसका अब मैं डोर लगा देती हूँ। अब हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ये जो हमारा टमाटर सूप होता है वो आता है, ये जो बटन है आप देख सकते हैं, ये है लो कैलोरी और डाइट फ्राइड का बटन होता है। इसको हमें 2 बार प्रेस करना होता है। मैंने एक बार प्रेस कर दिया तो DF1 आया, और एक दूसरी बार प्रेस करने पे HP1 आया, और हमारा जो टोमेटो सूप है वो आता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसको डायल को घुमाते हैं और वो हमारा आएगा SO9 पे। ये देखिए, जब तक SO9 नहीं आ जाए जब तक हमें डायल को घुमाना है। ये देखिए, SO9 आ गया है, ये आप देख सकते हैं SO9 आ गया है। बस अब हमें क्या करना है, स्टार्ट का बटन प्रेस करना है और ये हमारा सूप बनना तैयार हो गया है। अगर आपके पास LG का अवन ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अवन में रखने के बाद 10 मिनट तक माइक्रो मोड पर चलाइए। तो 10 मिनट में माइक्रो मोड पर चलाइए, या फिर आप बीच में चेक कर लीजिए कि आपकी जो ये सब सब्जियां हैं जो हमने इसमें टमाटर गाजर ये सब डाली वो गल गई हैं कि नहीं। अब ये देखिए, इसमें बीप साउंड आ गया है। अब मैं गेट को खोल लेती हूँ और ये आप देख सकते हैं, मैंने इसे अवन में से बाहर निकाल लिया है और ये सब सब्जियां बहुत अच्छे से उबल गई हैं। अब हमें क्या करना है, इसे पीसना है और पीस कर इसे छान लेना है, जो कि मैंने इसे पीस भी लिया है और छान भी लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये कितना गाढ़ा हो गया है। अब आप देख सकते हैं ये सूप हमारा कितना गाढ़ा बना है। देखिए, अब हमें क्या करना है कि इसमें, अगर आप इसमें बटर डालना चाहें तो बटर डाल सकते हैं, और अगर ऑयल डालना चाहें तो अब आप इस सूप में ऑयल डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल डालूंगी और इस ऑयल को अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी।
और अब मैं इसे अवन में रखूंगी। वही बात है, अगर आपके पास एलजी का अवन ना हो तो आप फिर वही 5 मिनट के लिए इसे अवन में रख दीजिए सूप को। ये देखिए, ये मैंने इसे अवन में रख दिया है और अब मैं इसे बंद कर देती हूँ अवन को और जस्ट स्टार्ट का बटन प्रेस कर देती हूँ। अब हमें बीप साउंड आने का वेट करना है। ये बीच में बीप साउंड आ गई है और अब हमें क्या करना है, इसमें अब हम नमक डालेंगे और काले मिर्च और चीनी डालेंगे। यह सब चीज़ें हमें स्वाद अनुसार डालनी है। ये देखिए, ये इसमें मैंने काली मिर्च डाल दी है और अब मैं इसमें नमक डालूंगी। और इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डालूंगी और इसे चीनी डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। वही अगर आपके पास एलजी ओवन ना हो तो 1-2 मिनट तक उसे ओवन में चलाने के बाद आप ये सब चीज़ इसमें मिक्स कर दीजिए और फिर से ओवन को बंद कर दीजिए। ये मैंने अब ओवन बंद कर दिया है और स्टार्ट का बटन प्रेस कर दिया है। अब हमें एंड होने का इस प्रोसेस के एंड होने का वेट करना है। ये देखिए, ये एंड हो गया है और अब मैं इस सूप को निकाल के देखती हूँ ये कैसा बना है। ये देखिए, हमारा सूप बन के तैयार है और ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ये सच